कि अन्य लैंग्वेज के की तरह ही जावा स्क्रिप्ट में भी आप स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और स्टेटमेंट में हम लूपिंग स्टेटमेंट भी करते हैं और कंडीशनल भी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना है स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, फिर वर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने माई नम नम का। अब यहाँ पे देखिए नम यदि एन कैपिटल है तो कैपिटल देना है, स्मॉल यहाँ दिया है वेरिएबल तो यहाँ पर भी स्मॉल देना है। उसकी वैल्यू हमने असाइन किया 7, हमने यहाँ पर लगाया इसको इक्वल माई नम इक्वल 7, तो क्या मैसेज आया, एक मैसेज सिर्फ प्रिंट किया। हम बेसिक सा प्रोग्राम है ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कमांड है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यूबी डॉट नेट भी यूज़ किया था वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट लगाते थे, फॉक्स प्रो में यहीं पर इनपुट आउटपुट कमांड का यूज़ करते थे और क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या मैसेज देने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यदि वैल्यू दिया कि यदि 7 हो तो क्या आए मैसेज लकी 7, इस प्रकार का एक मैसेज प्रिंट करने के लिए इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। फिर में इसमें इफ ही है। अब यदि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 7 को हटा दें और सॉरी यहाँ की वैल्यू को 7 यहाँ ऐड कर देते हैं, अब मैसेज हमारा कुछ भी नहीं आएगा 0। यानी एक मैसेज पास करवाने के लिए हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, यदि इसकी वैल्यू बराबर हो 7 के तो मैसेज आए लकी 7, और अदरवाइज कुछ भी नहीं। यदि आप चाहते हैं कि कोई अन्य मैसेज आए, यदि ऐसा यानी 7 आए या फिर लकी 7 या बैड लकी या इस प्रकार का मैसेज आए तो आप दे सकते हैं एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, वहीं पर दूसरा होता है हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स के अंतर्गत हम एक से अधिक कंडीशन दे सकते हैं, हमने यहाँ पर दिया ये इफ एल्स है, एल्स है। इसमें हमने दिया इफ टाइम लेस देन 10 डॉक्यूमेंट राइट में आए गुड मॉर्निंग, यानी 10 बजे से पीछे हो तो गुड मॉर्निंग आए, एल्स नहीं तो गुड डे आए। तो यहाँ पर हमने दिया स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ये आपकी कमेंट लाइन है कि प्रोग्राम का आएगा उसके बारे में समझाया गया है इफ द टाइम लेस देन 10। तो आप कमेंट लाइन में कुछ भी कहीं पर भी आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है इससे रिलेटेड तो आप डबल स्लैश लगा के कोई भी कमेंट लाइन डाल सकते हैं। वर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डी नाम का, और न्यू डेट एक फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन जो सिस्टम की डेट को कॉल करता है। वर्ड से हमने टाइम दिया और डी डॉट गेट हावर यानी उस डेट में से हावर को निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हावर्स निकल जाएंगे तो वो टाइम के अंदर स्टोर होंगे, और हमने दिया टाइम की वैल्यू किससे लेस देन हो 10 से, तो ये मैसेज आए गुड मॉर्निंग, एल्स आए गुड डे। अभी वाले में सिर्फ एक ही आ रहा था इफ वाले में, जबकि इसमें दोनों ही चाहिए, अभी गुड मॉर्निंग आ रहा है। आप इसका टाइम सिस्टम का टाइम चेंज करके देखिए, हम इसका टाइम चेंज कर देते हैं आप देखिए गुड डे आ रहा है क्योंकि हमने टाइम को सेट किया है 10:44, 10:44। तो टाइम चेंज होता है यानी सिस्टम का टाइम चेंज होता है बता रहा गुड डे, अदरवाइज ये बताएगा गुड मॉर्निंग।